दोस्तों आज की सब्जी देख करके आपको हलवाई वाले शादी की सब्जी की याद आ जाएगी। आज की सब्जी है ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बैगन और पालक की सब्जी, बिल्कुल शादी वाले स्टाइल में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों मैं हूँ किरण और मेरे चैनल एवरग्रीन मसाला पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पालक और बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले पालक की गुच्छी ले लीजिए और उसको काफ़ी अच्छे से साफ कर लीजिए, धो करके इस तरह से काट करके ले लीजिए। और उसके बाद जिसमें नेक्स्ट सामग्री चाहिए वो है हमारा बैंगन। तो बैंगन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम, छोटे वाला बैंगन है। और फिर दो बड़े साइज का टमाटर लिया है। टमाटर की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है जिससे सब्जी में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 8-10 लहसुन की कली, आप देख सकते हैं। और उसके बाद लिया है लगभग 1.5 इंच के आसपास अदरक। इन सभी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, छिलका निकाल करके साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें तड़का जो लेंगे, तड़का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो पचफोरन है और उसके बाद एक तेज पत्ता और 2-3 लाल मिर्च। पचफोरन कैसे बनता है आपको मेरे चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ मसाले चाहिए होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर लगभग 1/2 चम्मच, 1 चम्मच ले लें सब्जी के हिसाब से, कम और ज़्यादा रखें। तीखा अगर आप कम और ज़्यादा खाते तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च लिया है। उसके बाद 1 चम्मच लिया है मैंने कश्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और उसके बाद लिया है लगभग 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर लगभग लेंगे 1/4 टेबल स्पून। तो ये सारे मसाले आप अपने रेशियो में कम और ज़्यादा ज़रूर करें। और फिर उसके बाद नमक स्वाद के हिसाब से, सब्जी के हिसाब से मसाले का रेशियो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लें और कढ़ाई में यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल अक्सर हम लोग खाते हैं, आप मेरे हर एक वीडियो में देखते होंगे कि सरसों का तेल बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ। तो आप जो भी खाते हैं तेल वो ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद इसमें हमने तड़का जो लिया हुआ था वो डाल दें, पचफोरन लाल मिर्च और तेज पत्ता। और उसके बाद अदरक और लहसुन को कूट करके इसमें डाल दिया है और अदरक और लहसुन को काफ़ी अच्छे से भूनने दें, पकने दें, ताकि हमारा जो सब्जी का जो अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है बहुत ही अच्छे से हट जाएगा। तो उसको डाल करके 1-2 मिनट तक भून लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे हमारे जो मसाले हमने अलग निकाल के रखे थे, सारे मसाले डाल दें और मसाले को यहाँ पे कम आंच पे भूने, बिल्कुल तेज़ गैस ना रखें, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। बस मसाले वगैरह भून चुका है, तब डाल देते हैं टमाटर। टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मसाले अक्सर भूनने के बाद टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर को भी काफ़ी अच्छे से डाल करके भून लेते हैं और उसके डाल देंगे कटा हुआ बैंगन। यहाँ पे बैंगन को मैंने लंबे लंबे शेप में काटा है, आप चाहे तो इसको किसी भी शेप में काट करके डाल सकते हैं। तो इसकी कोई भी बंदिश नहीं है कि आपको बैंगन लंबे शेप में ही काटना है। तो बैंगन डालने के बाद लगभग 1-2 मिनट तक भून ले और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कटा हुआ हमारा पालक। सब्जी की जो रेसिपी है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हलवाई वगैरह लोग अक्सर ऐसे ही बनाते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका तरीका पता नहीं होता है, तो इसलिए उसकी सब्जी बिल्कुल हलवाई वाले शादी वाले स्टाइल में नहीं बन पाती है। तो पालक डाल करके काफ़ी अच्छे से सभी को चला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम कवर करके लगभग अच्छे से पकने देंगे क्योंकि पालक बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ेगा। और उसके बाद उसी में हमारा बैंगन और ये सब्जी जितनी सब्जियाँ वो गल जाएगी। तो ढक्कन लगा करके इसको हमने 4-5 मिनट तक पका लिया था और फिर इससे ढक्कन हटा करके चला लेते हैं। और यहाँ भी हम डालेंगे अभी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, इसकी वजह से पूरी सब्जी का टेस्ट चेंज होता है। इसलिए दोस्तों गरम मसाला पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल करके इसको हम फिर से 5 मिनट तक आराम से पकने देंगे ढक करके। तो 5 मिनट के बाद फिर से एक बार आप ज़रूर चेक करें। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पानी है लेकिन सब्जियाँ जो है सारी लगभग पक चुकी है। इतना पानी हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको जो है थोड़ा तेज़ गैस करके आंच करके थोड़ा पानी को आप पका सकते हैं जिससे सारा पानी निकल जाएगा। तो बस हमारा सब्जी आज का बन करके रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो उसका कंसिस्टेंसी है बहुत ही परफेक्ट आया हुआ है। इस सब्जी को आप आराम से जो शादी वाले स्टाइल में हलवाई बनाते हैं इसके साथ बहुत तरह की सब्जियां भी बनती है। कोहरा की सब्जी क्वालिटी मैंने बताया हुआ है बिल्कुल शादी वाले स्टाइल में, बिल्कुल ऐसे ही बनती है। तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें।
आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स करें, थम्स अप करें, लाइक करें, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।